हेलो फ्रेंड्स, आज इस नए वीडियो में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हैं तो सही तरीके से कैसे लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपसे जीमेल आईडी सही तरीके से बनाना नहीं आता है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर वहां से जरूर देख लेना, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाने से होता यह है कि आपके जीमेल आईडी की जो सिक्योरिटी होती है वो डबल हो जाती है और आपका जीमेल अकाउंट कभी भी हैक नहीं होता है। तो यही चीज बताने वाला हूँ। दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने फोन की स्क्रीन में आ जाना है और फोन की स्क्रीन में आने के बाद आपके फोन में एक जीमेल ऐप होगा, उसी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने फोन के जीमेल ऐप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है सिंपली इसी में क्लिक कर देना है। आप जिस जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हैं उस जीमेल आईडी को पहले चूज कर लीजिए। फिर चूज करने के बाद देखिए यहाँ पर राहुल भाई लिखा हुआ है, इस जीमेल आईडी में मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहता हूँ। फिर इसमें लगाने के लिए मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन है उसके नीचे, इसी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट में क्लिक करेंगे थोड़ा सा इधर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इसी में आपको क्लिक कर देना है। और इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ टू स्टेप वेरिफिकेशन और इसके नीचे लिखा हुआ टू स्टेप वेरिफिकेशन ऐप, यानी कि आपके फोन में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऐप है। इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसी में आपको क्लिक कर देना है। और इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इसी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसी में आपको क्लिक कर देना है। और इसमें क्लिक करने के बाद आपके फोन में जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है यहाँ पर आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फोन का लॉक स्क्रीन पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है और ऐसा करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक कर देना है। फिर से ट्राई अगेन, यहाँ से दोस्तों नहीं होगा, आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ट्राई अनदर का ऑप्शन है, अब दूसरा रास्ता यही से जमाना पड़ेगा और यही से आपके जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा। यहाँ पर ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड बीच में है, इंटर योर पासवर्ड का ऑप्शन, इसी में आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आसानी तरीके से आपके जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा, इसीलिए मैंने इंटर योर पासवर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करवाया है। और यहाँ पर आपके जीमेल आईडी में जो पासवर्ड आप डाले होंगे, आप अपने जीमेल आईडी में जो पासवर्ड डाले होंगे यहाँ पर आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस जीमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है और ऐसा करने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसी में आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन में। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, देखिए यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, बस इसी में आपको क्लिक कर देना है। और ऐसा करने के बाद आपके फोन में जो फोन नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस जीमेल आईडी का जिस जीमेल आईडी में ओटीपी मंगवाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर फोन नंबर डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए हाउ डू यू वॉन्ट टू गेट कोड, से आप किस में कोड मंगवाना चाहते हैं, यहाँ पर टेस्ट मैसेज का ऑप्शन है और दूसरा नंबर फोन कॉल का, तो मैं फोन कॉल में नहीं कर रहा हूँ, मैं टेस्ट मैसेज में क्लिक कर लिया है। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद यहाँ पर देखिए सेंड का ऑप्शन है, सेंड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, सेंड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके फोन में एक ओटीपी आएगी, तो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 6 अंक की ओटीपी आई थी तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसी में आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टर्न ऑन का ऑप्शन मिल रहा है, इसी में आपको क्लिक कर देना है। बस आपके जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन
ऑन हो जाएगा, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर गलत का ऑप्शन है ना, इसी में आपको क्लिक कर देना है, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं इस जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, देखिए यह रहा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है योर डिवाइस का ऑप्शन, और यहाँ पर इसी में आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि ओटीपी मंगवाने में एक डिवाइस आपके जीमेल आईडी में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए न्यू न्यू 3 मिनट हो गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन है, साइन आउट में आपको फिर से साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है, फिर से आपको साइन आउट में क्लिक कर देना है। अब फिर बैक आ जाना है और थोड़ा सा नीचे करना है तो आपको फ्रेंड साइन आउट कर देना है, ठीक। बस आपकी जीमेल आईडी में आसान तरीके से टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना सही तरीके से सिखा दिया है। आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी का ऑप्शन है इसको आज बिल पर जरूर सेट कर लेना। दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो जाकर जरूर फॉलो कर लेना, और आपके पास कुछ डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं कि आप इस विषय पर वीडियो बनाए तो मैं आपके पास वीडियो बनाकर जरूर भेजूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।